गलत होती हैं और अनोइंगली या अनअवेयरनेस की वजह से हमें उनके बारे में पता नहीं होता है एंड हम उनको करते चले जाते हैं। ऐसी सबसे पहली और सबसे कॉमन ख़राब आदत ये होती है कि हम हमेशा ब्रेकफास्ट जो है उसको बहुत लाइटली लेते हैं। यूजुअली बहुत लोगों की आदत होती है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं एंड सीधा वो जाके 11-12 बजे कुछ खाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि रात को हम 8-9 बजे अपना डिनर करते हैं और उसके बाद आप सुबह अगर 11 बजे अपना मील लेते हैं फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो दैट इज़ लाइक आपका 12 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इज़ बाउंड टू गो वेरी स्लो और इट इज़ गोइंग टू क्रैश। तो इसलिए ब्रेकफास्ट करिए एंड हैव अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग साइज। ऐसी दूसरी ख़राब आदत ये रहेगी कि हमें आदत होती है कि रात को लेट तक जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं एंड यूजुअली मिडनाइट स्नैकिंग में चॉकलेट हो गई, चिप्स हो गई, कोक और साथ में बहुत सारे जंक आइटम्स रहते हैं जो कि बहुत कैलोरी डेंस भी होती हैं। तो जब भी हम ये लेते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमारी एक्टिविटी कुछ होती नहीं है, हम लोग बेड पर बैठे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड देन इमीडिएटली वी गो ऑफ टू स्लीप आफ्टर दैट। सो इट इज़ बाउंड टू कन्वर्ट इन टू फैट एंड आपको पता भी नहीं चले कब आप ग्रेजुअली इसी हैबिट की वजह से वेट गेन करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये मिडनाइट स्नैकिंग को बंद करिए। अपना डिनर टाइम के बाद आपको सॉल्ट का इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू वाटर रिटेंशन नेक्स्ट मॉर्निंग। मिडनाइट क्रेविंग अगर आपको होती है तो आप सॉल्ट फ्री मखाने खा सकते हैं रोस्ट करके, मिल्क लीजिए, फ्रूट्स लीजिए या मिल्क एंड फ्लेक्स लीजिए एट द मोस्ट अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो कभी। तीसरी ऐसी चीज़ होती है कि हम टाइमिंग्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं या हम वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी समथिंग इज़ नॉट वर्किंग राइट फॉर अस, इन दैट केस इट्स द टाइमिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा मील गैप करते हैं या आप बहुत लेट डिनर करते हैं या जैसे मैंने बोला ब्रेकफास्ट बहुत लेट करते हैं, सो दीज थिंग्स आर गोना मेस अप विद द टाइमिंग्स, या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी लॉन्ग गैप्स की वजह से, वो गैस्ट्रिक इशू में कन्वर्ट होगा, या आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी तो आप यू विल एंड अप हॉगिंग ऑन टू योर मेजर मील्स। तो टाइमिंग्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ईटिंग हैबिट्स, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। चौथी और ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो हम निगलेक्ट कर जाते हैं वो ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूजुअली आर यू नो अराउंड अस, चाहे हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कुछ है कर रहे हैं या हम अपने फ़ोन पे ही लगे होते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साइड पर रखिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए खाइए, जिसके अंदर आपका जो पूरे दिन की इंटरेक्शन से स्ट्रेस होगा वो भी दूर होता है, यू एंजॉय दैट टाइम एंड आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप रूटीन में करने से आपको खुद से डिफरेंस फील होगा कहाँ पे आप गलत कर रहे थे, आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। सो डू इट एंड सी द चेंज फॉर योरसेल्फ।